नमस्कार। आज की जो ज्योग्राफी क्लास हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास के अंदर जो हमारी पीछे क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी वायुमंडल की संगठन और संरचना, और हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, वायुमंडल की संरचना और संगठन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट बजट या ऊष्मा बजट। हीट बजट या ऊष्मा बजट होने के बाद हम पढ़ेंगे सूर्यताप, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक और जो ताप कटिबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं ऊष्मा बजट। देखिए, बात करते हैं ऊष्मा बजट की। तो देखिए, ऊष्मा बजट के अंदर जो है मूल जो बात है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने नाम सुना होगा बजट। क्या होता है बजट? बजट सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्लास है ये है बीए फर्स्ट ईयर वाली, इसी के साथ बीए बीएड सेकंड ईयर प्लस में एमए फाइनल ईयर की क्लास, कॉमन क्लास हो रही है। और अपने आज जो पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं बजट के ऊपर। देखिए, बजट जो है उसे हम सिर्फ सिंपल भाषा में कह सकते हैं लेखा जोखा, या हम कह सकते हैं हिसाब किताब। किताब जो हिसाब किताब होता है, यह हमारा लेखा जोखा जो होता है वो बजट होता है। कोई भी आप मेनू या मैनुअल लीजिए किसी भी चीज़ का, वो हम जो जिस किसी भी काम को करते हैं उसकी पूर्व प्लानिंग करके और जो काम किया जाता है वो बजट के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात कर लें कि हमारे पास पैसों की बात करें, या हम कोई एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे पास कितने पैसे हैं, टोटल मनी क्या है, उसके बाद हम किस किस पार्ट्स पे कितना कितना खर्चा करना है, तो वो हमारा बजट है। अगर हम बजट नहीं करेंगे तैयार, देखो इससे क्या होगा, हम बजट नहीं बनाएंगे तो इससे ये होगा कि हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है उसमें हम पैसा ज़्यादा लगा दें और एंड के जो पॉइंट्स है उसमें पैसा शेष नहीं बचता, तो जो हमारा काम है वो प्रभावी नहीं रहता। तो उसी प्रकार चाहे घर का अपने कह सकते हैं मनी से संबंधित बजट, या हम कोई भी एक खाद्य पदार्थ है उससे संबंधित बजट तैयार कर सकते हैं, या हम कोई एक फंक्शन के लिए जो बजट तैयार कर सकते हैं, तो वो बजट एक लेखा जोखा होता है, ये पूर्व प्लानिंग होती है। और यहाँ आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऊष्मा का बजट। क्या है? ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट की अगर बात करें तो बात तो वही है, ऊष्मा का लेखा जोखा। देखिए, एक बात ध्यान रखना, हमारा जो धरती के ऊपर या अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है उसी का लेखा जोखा भी है। ये बात नहीं है कि हम सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं वापस नहीं दे रहे। अगर ले रहे हैं तो आज तक हम सूर्य का प्रकाश इतना ले लेते कि धरती जल जाती। क्यों? क्योंकि हम सूर्य तो रोजाना होता है और सूर्य का प्रकाश आता ही रहता है। हम इतना प्रकाश ले रहे हैं, इतना टेम्परेचर अपने कह सकते हैं यूज कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर इतना अधिक टेम्परेचर हो जाता कि आज सारी सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाती। तो क्या हुआ, फिर क्या रीजन है कि नष्ट नहीं होती? तो वो ऊष्मा बजट है। हमने एक बात कह दे कि हमारे पास ऊर्जा का, इस पृथ्वी के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास ऊर्जा का, ये जो हमारी ऊर्जा है ऊर्जा का
मुख्य स्रोत जो है वो कौन है? सूर्य है, सूर्य है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि सूर्य क्या है, सूर्य क्या चीज है? तो आप कहोगे सूर्य 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 नहीं है, सूर्य क्या चीज है? सूर्य एक तारा है, तारा। और अब मैं पूछूं कि तारा क्या है, तो तारा ब्रह्मांड के अंदर या अंतरिक्ष के अंदर वे पिंड है, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के अंदर वे पिंड जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए, कोई भी एक गांव में बच्चा पढ़ लिख के बड़े पोस्ट पे जाते हैं या एक मेहनत करता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये निखरता हुआ सितारा है, माने अपनी मेहनत जो है यूज कर रहा है। तो वही बात है कि तारा क्या होता है? अंतरिक्ष के अंदर वे पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड के अंदर असंख्यक तारे हैं, और इन तारों के अंदर क्या है? सूर्य भी एक तारा है, एक सूर्य भी क्या, एक तारा है। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य से भी बड़े तारे हैं, लेकिन सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण इसका जो तापमान है या इसका जो टेम्परेचर है या इसकी जो एनर्जी है वो पृथ्वी को सबसे अधिक मिलती है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। आगे देखिए, आज हम बात करते हैं कि हम सूर्य से कितना प्रकाश प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ उसको खर्च करते हैं, और हम उसको वापस कितना लौटा देते हैं। कहने का अर्थ, मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप सौ रुपये लेकर घर से जा रहे हो, तो घर पर वापस आकर 100 रुपये का हिसाब देना होगा। चाहे आपने कितने भी खर्च किए हों, अगर आप 100 रुपये घर से लेके जा रहे हो तो आपको क्या करना है? 100 रुपये, जैसे आप ये कह सकते हो 10 तो टेम्पो का किराया लग गया बाज़ार जाने के लिए, उसके बाद आपने 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उसके बाद 10 की चीज़ खरीदी और 10 रुपये आने में लग गए, ठीक है, तो टोटल ये खर्च हो गया 80 रुपये, और उसको 20 रुपये वापस दे दिए, तो टोटल क्या हो गया? 100 रुपये। तो मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि जो जितना हमने लिया है उसका हिसाब देना होता है, उसका क्या करना? पूरा पूरा, माने अगर आप 100 से शुरू करते हो तो हम 100 से उसका हिसाब देंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं ऊष्मा बजट की। होता नहीं है, देखो ये नहीं है कि हम सूर्य से जो मैं लिख रहा हूँ उतना ही तापमान लेते हैं, लेकिन एक आपने नाम सुना होगा मैथ के अंदर होता है कि मान लीजिए मूलधन आपका 100 है, या मान लीजिए आपका मूलधन x है, तो वो मानना पड़ता है। और हम कोई सूर्य का, हमारे पास कोई मापक तो है नहीं कि हम सूर्य की एनर्जी को माप सकते हैं, ठीक है, पूरी एनर्जी को नहीं माप सकते, इसलिए हमने एक नॉर्मल वे में के अंदर एक आधार मान के सूर्य का ऊष्मा बजट पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, हम ऊष्मा बजट की बात करते हैं शुरू। तो ऊष्मा बजट के अंदर सबसे पहले आपको अपने सन का जो एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ की ओर आता है उसे आप क्या मानोगे? 100 मानोगे। तो ये हमारा क्या है? सूर्य है, सूर्य। और ये सूर्य का ताप यहाँ आ रहा है, हमारी अर्थ की ओर आ रहा है, और ये हमारी क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है, अर्थ है। तो देखिए, सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य की किरणें, सूर्य का तापमान, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होती है, हमने ये मानना है कि 100 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाई आ रही है सूर्य से? 100 इकाई।
ठीक है, आपको मान के चलना है कि 100 इकाई सूर्य की जो है वो धरती की ओर आ रही है। अब हमें क्या करना है, पहले ये 100 इकाइयां को धरातल तक पहुंचाना है, फिर जो रिफ्लेक्शन होगा उसका परावर्तित होगा उसके बारे में बात करते हैं कि वापस उसको 100 का हिसाब भी देना है। सबसे पहले ध्यान रख लेना, मैंने आपको कई बार बता दिया, सूर्य से जो किरण आती है, सूर्य से जो विकिरण आती है, विकिरण, ठीक है, विकिरण आती है वो लघु तरंग होती है, लघु तरंग होती है, और जो किसी भी चीज से टकराकर या अर्थ से टकराकर या बादलों से टकराकर या कहीं से भी किसी से टकराकर वापस जाती है, टकराकर वापस जो जाती है वो जो तरंग होती है वो दीर्घ तरंग होती है। क्या होती है? दीर्घ तरंग। तो याद रखना, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो क्या होती है, अपने लघु तरंगे होती हैं, और जो वापस जाती है वो क्या होती है, दीर्घ तरंग होती है। याद रखना, सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का, सूर्य से हमें जो ऊर्जा का आने वाला जो आने वाली जो ऊर्जा है उसका 49% भाग जो है, 49% भाग जो है वो वायुमंडल के द्वारा विकिरण, परावर्तन और अवशोषण द्वारा नष्ट होकर शून्य में चला जाता है। सबसे पहले अपने बता देते हैं कि यहाँ देखिए, सूर्य से इकाई आ रही थी हमारे पास 100, कितनी इकाई आ रही है, 100 इकाइयाँ हमारे पास आ रही है, और हमने जो 100 इकाइयों को शुरू किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा ये सूर्य है और इससे हमारे पास 100 इकाई आ रही है, ठीक है। अब देखिए, 100 इकाइयों में क्या होता है, यहाँ एक अपने कह सकते हैं, इसको आप एक परत के रूप में बना लेना, और 100 इकाइयाँ जब ये धरातल की ओर आती है तो ये 100 इकाइयाँ क्या होती है, धरातल की ओर आने से पहले ही ये इसकी अपने कह सकते हैं टोटल आ रही है 100 इकाई, और 35 इकाई पुनः वापस चली जाती है, 35 इकाई, 35 इकाई। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना है। क्या समझना है कि 100 इकाई सूर्य से आ रही थी और क्या हुआ कि वो पृथ्वी पर आई नहीं, ठीक है, किसी भी वी के अंदर नहीं आई, ना ही वो वायुमंडल में आई, उससे पहले ही ये क्या है, बादलों से ऊपर ही ये क्या है, 35 इकाइयाँ धरातल पर आने से पहले ही ऊपर चली गई। कहाँ चली गई? वापस चली गई। तो ये 35 इकाई जो है, सूर्य से 100 इकाइयाँ आ रही थी और 35 इकाई नीचे आने से पहले ही वापस ऊपर चली गई, तो ये क्या होगा, अपने इसको कह सकते हैं ये क्या बन गया, एल्बिडो बन गया। क्या बन गया? एल्बिडो, या हम कह सकते हैं प्रकीर्ण या परावर्तन द्वारा सौर विकिरण का क्षय हो गया। तो देखिए, 35 इकाइयां, तो ये 35 इकाइयां क्या होगी, एल्बिडो, एल्बिडो, इसे एल्बिडो कहते हैं, ठीक है, एल्बिडो। अब देखिए, 35 इकाइयां जो है उसका हिसाब ले लें, 35 इकाइयां, देखिए 35 इकाई में 27 दो और 6, याद रखना 27 और दो कितने हो गए, 29, 29 और 6 कितने हो गए, 35। तो 27 जो है वो है बादलों द्वारा, बादलों द्वारा, बादलों द्वारा कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ ऐसे बादल बने और बादलों से टकरा के वापस चली गई, ठीक है, और
दो इकाइयां हैं ये धरातल के द्वारा या उच्च पर्वतीय जो भाग होते हैं उनसे टकराने के बाद, धरातल या पर्वतों के टकराने के बाद, माने आई नहीं धरातल, किसी ने यूज नहीं किया, पर्वतों से टकरा के चली गई। और छह जो इकाई है वो वायुमंडल से टकरा के, वायुमंडल प्रकीर्णन द्वारा, वायुमंडल प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकीर्णन हो गया। तो यहां हम पहले बात करेंगे कि जो 35 इकाई है उसका हिसाब पहले ले ले। 100 इकाई धरातल पे आ रही थी, 35 इकाई धरातल पर आने से पहले ही यूज नहीं की। देखो ना तो बादलों ने उसको यूज किया है, ना उसको वायुमंडल ने यूज किया है। अगर यूज करेंगे तो उसे शामिल करेंगे फिर तो वो, लेकिन किसी ने उसको यूज नहीं किया। 100 इकाई जो धरातल पर आ रही थी उसमें से 35 इकाई टकरा कर वापस चली गई। तो 35 इकाइयों में 27 इकाई तो ऐसी थी कि वो बादलों से टकरा कर बादलों के ऊपरी भाग से ऊपर चली गई, और 2 इकाई पर्वतों के जो गिरी वाले भाग होते हैं, पर्वतों की जो चोटियां होती है उन चोटियों से टकरा कर वापस चली गई, और 6 इकाइयां वायुमंडल से टकरा के चली गई। तो हम ये कह सकते हैं टोटल हमारी जो 35 इकाई थी वो वापस चली गई, और ये क्या है, एल्बिडो कहलाती है। क्या कहलाती है, एल्बिडो। आगे देखिए, अब देखो सीधी सी नॉर्मल सी बात है कि 100 में से 35 इकाई हमारी चली गई तो कितनी बच गई। देखो यहां मैंने सिंपल भाषा में 100 इकाई कुल, तो 35 इकाई क्या है, एल्बिडो, एल्बिडो हो गई। तो शेष क्या बच गया, देखो यहां करते रहना, शेष देखिए 5 और